क्या तेजस्वी प्रकाश का जादू बरकरार रहा है? क्या नागिन टीआरपी चार्ट में टॉप 10 में अपनी जगह बना पाया? क्या कहती है इस हफ्ते की नागिन की टीआरपी? मैं हीना कुमावत फिल्म इंडो पे आपको बताऊंगी। तो गुरुवार यानी कि टीआरपी का दिन और नागिन पर हर किसी की नजर थी कि तेजस्वी का शो है आते साथ, लेकिन जिस तरीके से इसने 2.1 की टीआरपी पिछले हफ्ते लाई थी, लोग काफ़ी सरप्राइज थे कि ये बहुत अच्छी टीआरपी है। लेकिन इस हफ्ते की मैं बात करूं तो जहां कलर्स का उडारिया नंबर 1 ही बना हुआ है कलर्स के चैनल पर 2 की टीआरपी के साथ, वहीं नागिन नंबर 2 शो हो गया है कलर्स पर 1.9 की टीआरपी से। तो पिछले हफ्ते से 0.2 से टीआरपी गिरी जरूर है, लेकिन 1.9 भी एक एवरेज टीआरपी मानी जा सकती है। टॉप 20 की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि टॉप 20 में ये शो नहीं जगह बना पाया, क्योंकि जो स्टार का है गुम है किसी के प्यार में, उसकी 2.9 आई है, इमली 2.6 है, ये रिश्ता 2.6 है, अनुपमा तो 3.6 है, ये है चाहते 2.8, स्मार्ट जोड़ी बहुत अच्छा कर रहा है 2.2, उडारिया है उसके बाद जो है, जी के शोज बहुत अच्छा कर रहे हैं जिसमें कुंडली और कुमकुम की टीआरपी जो है वो दोनों ही नागिन से ज़्यादा है, यहाँ तक कि भाग्य लक्ष्मी की टीआरपी नागिन से ज़्यादा है। तो टॉप 10 में तो ये शो जगह नहीं बना पाया है, लेकिन जहाँ तक बात है अभी फिलहाल ये लॉन्च हुआ है, 3 हफ्ते हुए हैं और 3 हफ्तों में 1.9 की टीआरपी अच्छी टीआरपी मानी जा रही है। और जहाँ तक बात है कलर्स चैनल की, तो उसमें जो है उस अगर मैं कहूँ तो कलर्स पर ये नंबर 2 शो बन गया है उडारिया के बाद।